नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ ब्लॉक ए कैन स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन ऑफ एन एंगल थीटा एंड लेंथ एल कैप्ट इन साइड एन एलिवेटर गोइंग अप विद अ यूनिफॉर्म वेलासिटी यू आई शोन इन द फिगर सवाल है फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द इनक्लाइन टू द लेंथ ऑफ इनक्लाइन इफ इट इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द इंक्लाइन सो अगेन सिंपल सवाल है सो so, स्नैरियो ये है कि ये आपकी इंक्लाइन uh, प्लेन को हमने एक लिफ्ट में रखा हुआ है और ये आपकी लिफ्ट है और ये लिफ्ट आपकी यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है एक ब्लॉक है जो यहाँ से एम मास का ब्लॉक है आ, एल लेंथ है इसके ऊपर स्लाइड करना शुरू होता है सवाल ये इसका टाइम टेकन कितना होगा ना हो Now, इस केस में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बजाय अगर यहाँ पे एक्सलेशन होता तो सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंट होता लेकिन इस केस में क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और आपका ये इनर्शियल फ्रेम है तो चाहे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो चाहे रेस्ट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक है सो so, इस केस में जो आपका एक्सेलेशन हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू इसको रेस्ट पे भी मान सकते हैं और रेस्ट ये आपका क्योंकि इनर्शियल फ्रेम है सो एक्सेलेशन विल बी इक्वल टू आपका एम जी साइन थीटा या आपका फोर्स है डिवाइडेड बाय एम सो एक्सेलेशन विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा और डिस्टेंस ट्रेवल वो आपका एल है सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ़ ए टी स्क्वायर अगर आप यूज़ करेंगे सो so, एस जो है वो आपका एल हो गया इनिशियल वेलोसिटी जीरो है प्लस हाफ ए आ गया जी साइन थीटा टी स्क्वायर इम्प्लाइज आपके टाइम टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई टू एल डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा और इसको अंडर रूट ले, ले लेंगे तो आपका टाइम आ जाएगा ठीक है सो दिस इज़ हाउ मच टाइम इट विल टेक फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ इंक्लाइन